हजार रुपए तो बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है? अरे इससे एक मिनट आप बता रहे कैसा लग रहा है? आके दो मिनट की शांति ना लिए मैंने। मैंने कहा भाई मम्मी घर पे अकेली आ जाता हूँ, घर पे आते ही करी। वैसे भी नाश्ता रख के बैठा हुआ नाश्ता तो नाश्ता रहता है। जब देखो इन दोनों को देखो, तो अली अली क्या हुआ? दुखी कर रखा है ब्रूनो ने ऐसे कसम से। वो बैठी बैठी मम्मी परेशान हो रही है कि मेरे आंखें चिपक गई हैं दोनों। तो आप बता रही है दोनों मेरे रूम में ऐसे बैठे हैं। लो सड़ेली नाक। ये लो देख रहे हो, रूडनेस देख रहे हो इसकी। चाय पी ली और चाहिए? ऐसी खा लोगे पोहा? ऐसी खा लोगे पोहा? हेलो क्या चाहिए साथ में? कोई चटनी? मैं कल नई चटनी लेकर आई थी अलग से, टेस्ट की टेस्ट करनी है। देख लो कोरियन सी है। मैम ने अब देख लूंगा यार, मेरे को मत बोल अभी। इतनी बड़ी नाक, उतना ही बड़ा गुस्सा है इसका। कौन सा जीना राम और आई गुटखा खा के? नहीं हाथ तो लगा लेना सुबह सुबह यार। मम्मी नहीं नहीं दिखाओ ना यार, ना मेरा दर्द हो रहा है। दिखा एक बार, दिखा ये देखो यहाँ पे लगा रखा है तम्बाकू, ये देखो दिख रहा है? ये यूं घूम रहा है। जो लाइन बना दी मम्मी ने एक रात में तम्बाकू खा के। कौन सा खा रहे हो? बताते नहीं है, टॉप सीक्रेट है। ठीक है दरन, दरन ठीक कर दो कर निकल जाएगा। थूक थोड़ा सा, थूक के बात कर। नहीं थूक के बात कर इधर। कैसा लग रहा हूँ मैं? मनाली से आ गया हूँ। हाँ वापस से मनाली आ गया। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली बढ़िया। भाई सुबह सुबह मनाली में जाने का प्लान था, फिर मैंने कपड़े पहने, फिर मैंने सोचा बाहर ही मनाली बन रहा है, आज धूप नहीं हुई है ना, तो मैंने कहा यहीं मनाली मना लेते हैं। हैं भाई बियर्ड और बाल वाल कटवा के आते हैं। मम्मी तो मम्मी शीशु में, मम्मी रजाई से नहीं निकल रही ना, ना 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 दो ना ना शीशु में ही हो आप तो। माइनस उन्नीस में हो ना। चलो ढको अपने आप को। ये अरे यार ऐसे नहीं घूमते यार मॉम। हाँ ढको इसे, ठंड हो रही है, काप के दिखाओ थोड़ा सा। ब्रूनो काप रहा है। तो भाई मेरे को, अरे यार मास्क क्यों पहन रखा है? मास्क मैं ले आया यार, मेरे को ना गाड़ी में रखना था मास्क, इस चक्कर में ठाला है मैं। अभी तो धूप आ रही थी, अब थोड़ी थोड़ी धूप आ गई। जय श्री राम। हाँ मैं कह रहा था कि गाइज अपनी अपनी गाड़ियों में कृपया करके डैश कैम लगवा लो, मतलब ज़रूरी है ये, मतलब मेरे को तो ज़रूरी लगा बिकॉज कल अगर डैश कैम नहीं होता तो मैं दिखा नहीं पाता, और कल फर्स्ट टाइम मैंने डैश कैम से वीडियो डाउनलोड की थी तो मुझे पता ही नहीं था कि हाउ टू यूज़ डैश कैम। अब भाई मैंने फ़िलहाल कल देखा इसका यूज़ कि भाई चलती चलती गाड़ी में अगर आगे कोई कट मार के चला जाए तो कम से कम मेरे पास प्रूफ तो होगा भाई, मैं अगर सेफ चला रहा हूँ, मुझे पता है मैं सेफ चला रहा हूँ। जस्टिफिकेशन अगर मैं दूँ कि भाई मेरी वजह से नहीं हुआ या कुछ भी एक्स जेड है, तो मेरे पास कम से कम प्रूफ तो होगा। तो यही सेम चीज़ तुम्हारे साथ है भाई, देखो गलत चलाओगे तो तुम भी फंसोगे, ऐसा नहीं है कि गलत चलाओगे तो तुम बच जाओगे, बट गलत मत चलाओ और सेफ रहने के लिए, एक सेफर साइड रहने के लिए डैश कैम ज़रूर लगवा लो। मैंने तो फ्रंट में ही लगवा रखा, मैं तो बैक में भी लगवाऊँ, ज़रूरी यार, कम से कम आगे पीछे से पता चलता रहेगा, रिकॉर्ड तो होती रही कुछ चीज़ें कि भाई हाँ ये ऐसे हुआ था। यही है क्या मेरा? ओके मसाला डाल दिया इसमें? तो भाई यहाँ बाल कटवाना है तो वहाँ तो लग रही है भीड़, मैं चलो जूस ही पी लेते हैं। ये देखो कहाँ लगा गए हुए हैं, जगह ही ना। चलो ऑटो वाले भाई ने हटा दी अपनी तो निकल जाएगी। जब बेसिकली ना जाना तो मुझे आज ही था, मैंने सोचा था नोएडा होके आऊँगा, मतलब नोएडा में गाड़ी का है ना आज ही काम करवाया आऊँगा, क्योंकि अपन भी एक नया ट्रिप प्लान कर रहे हैं और प्लान इंस्टेंट हो रहा है, इंस्टेंट मतलब दो इस महीने में दो ट्रिप प्लान है। अरे
इस हफ्ते इस महीने में दो ट्रिप प्लान किए हैं मैंने अभी फिलहाल, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को फुल ऑन ब्रांड चाहिए। कोई ब्रांड हो तो बताओ मेरे को, आई मीन फुल ऑन ब्रांड इन द सेंस, चल ब्रांड भी चाहिए और साथ के साथ मुझे एक बार सारे रूट्स वगैरह देखने, रूट देखने मेरे को कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ स्टे करके हम जा सकते हैं, बिकॉज मनाली मनाली तो ऐसी जगह है कि यहाँ पे तो हमें पता ही है। नेक्स्ट है वो भाई रेगिस्तान भी हो सकता है और किस भी हो सकते हैं, क्या कह रहे हो, दोनों है, मतलब रेगिस्तान जाऊँ या बीच जाऊँ, अब वो सारे प्लान करने के लिए अभी थोड़ी सी देखूंगा अपने फाइनेंस देखूंगा कितना रुपये कितना खर्चा क्या चीज़ हुई है, भाई मिडिल क्लास वाले बंदे ना देखना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ देख के उसके बाद बताता हूँ आप सबको, मोस्ट प्रोबेबली आज ही बता दूँ नहीं तो कल वाले ब्लॉग में पक्का बता दूँगा कब जा रहा हूँ और नहीं कब नहीं कहाँ जा रहा हूँ, बस ये बताऊँगा कब जा रहा हूँ ये तो भाई रैंडमली बनेगा। तो भाई ये जो लाइट है ना मुझे पूरी चेंज करवानी है, देखो बंद होने लग गई, कल कुछ ज़्यादा बढ़िया तरीके से गाड़ी साफ़ हो गई है जिसकी वजह से अंदर थोड़ा बहुत क्या पता नहीं क्या मॉइस्चर गया क्या हुआ है आई डोंट नो, बट ये चस्बुत अपने आप ही होने लग रही है। तो या तो इसे हटवा दूंगा क्योंकि मेरा मन तो उतर गया इनसे यार, मेरे को ना गाड़ी में एम्बिएंट लाइट चाहिए ना कुछ और, मेरे को सिंपल सोबर गाड़ी चाहिए, बाहर से बड़ी प्यारी गाड़ी है अपनी, जो ये फालतू की चीज़ें हैं क्योंकि ये देखो क्रेज़ था स्टार्टिंग का और स्टार्टिंग में मैंने कर लिया और उस क्रेज से अप टू हो चुका हूँ भाई, अब मेरे को नीचे क्रेज, मतलब मैंने ना ये एसी वेंट दूसरे देखे थे दूसरे टाइप के आ गए, तो अगर हो सका तो वो लगवाएंगे। लो भाई चेंज करवा के ले आए, लगवा के ले आए नई चीज 110 कस्टिगर, सही है अपने को लाइट भी टू डोर ना भाई गुंडी कौन है यू गुंडी चीजें है भाई ये नजर खराब नहीं तेरी ब्याह के बाद नजर खराब हो तेरी। तो भाई यहाँ आ गया चाय, ब्याह के बाद पहली बार आया ना तेरे में, चाय पीना आया हूँ स्पेशली, तो चाय मना करी तो और पी ले हमारे कलस्तर भर ले जा ना भाई ना स्पेशली तो ना, मतलब मैं यहीं से निकल रहा था, मैं चल आज जो के यहाँ होकर चल देते हैं, मैं ड्रोन लेकर आया तो भाई यार मैं घर तक ना आया यार, तू कहाँ रहता है फिर भाई, मैं घर तक गया बाहर रहने लगा लगा आजकल घर वाले निकाल दे ना मैंने कर सुबह सुबह निकाल दे मैंने, चल जा कंटेंट बना के ले, मक्के बनाना है कुछ भी बना बता दे तेरी, देखो यार देखो घर बुला के तू ऐसे कर रहा है, अरे ना बुला यार यार कैसी बात कर रहा हूं मैं, तो खुल गई मेरी मैं पानी गिरू भाई, अब पानी दियो रे हमारा पानी ना है अंतर ठंडे हाथ ले तू के कर रहा आदमी चल ना यार खड़ा हो देख रहा है लुगा रहा हाथ ठंडे हाथ लगाने चक्कर को आको हाथ लगा रहा हूं मां कसम अभी को तीनों ओख मतलब सो रहा पानी डाल रहे थे ओख आंसू भी आ रहे मेरे नींद के बाहर ना यार आंसू यार मैं सो तो वैसे रो रहा भाई ब्याह होने वाला है ना ब्याह होने पीछे तो रो गए बंदा तू रो लिया ना भाई बस तो फिर मैं क्यों रोऊं भाई अब रो दे मैं देख रहे हो ये घर ले देके घर पे पहुंचे जाता तो ले देगा मेरा बोरे बिस्तर भारी बैठा होगा के भाई बोरे बिस्तर डिफेंडर पे पैसे लगा रहे हो ना तुम एक और था मेरे को भाई 21,000 रुपए का लगवाए टेपिंग, ये टेपिंग है ना सिर्फ उस पे 10 लिखा है, मैं घर पे बनवा लेता मैं बना देता ड्राइंग करके मैं बना देता इसने अच्छा ये देखो बता जूते 500 के बैठे तू क्यों पहन रहे तू ये जूते भाई नहीं क्यों पहन रखे देख जूते 500 के बैठे 33,000 क्यों पहन रखे रीजन बता एक रीजन बता दे क्या करा कंफर्ट उसमें कंफर्ट है नहीं कंफर्ट नहीं है कंफर्ट 500 हजार वाले में आते शरीर के ऊपर वाली चीजें है ना तो वो गाड़ी के ऊपर चीजें हैं यार नहीं एक सुन सुन नहीं 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 हाँ तू सही बता मैं जाग सटी बोल वर्थ दिखा तेरे को इससे तुझे लगा बढ़ 21 21 नहीं 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 पहले मेरी सुन चल वो मैं मान गया तेरे 1.5 करोड़ की गाड़ी उस पे 21,000 फूकते हो ज्यादा बड़ी चीज मान लगती बट एक वर्थ दिखा तेरे को केक टेपिंग के 21,000 रुपए भाई देख अब मेरी बात बस सिर्फ एक चीज आया हाँ ना ही बता मैं बताऊंगा अरे यार तू तो कुछ भी नहीं है भाई देख हां भाई भाई वर्थ तो कुछ भी नहीं है वर्थ भाई बता 21,000 रुपए बस इससे ज्यादा पूछ नहीं ना मुझे पूछ नहीं ना इससे ज्यादा जब वर्थ है ही नहीं
चलो गाइस रहने दो, रहने दो बिना मतलब की बात। मेरे अंदर फील चढ़ती है, मैंने कंपनी से लगवाया मैंने यो यार, मेरे को पता है ना, मैंने कंपनी से लगवाया, मैंने 21,000 रुपए का बिल है मेरे पास, हैगा दिखा दो, बिल दिखा दो, 16,000 नहीं और 4,000 रुपए के फ्लेवर है। अच्छा 16,000 रुपए की टेप है और 4,000 रुपए की इसकी लेबर है, और 4,700 रुपए की लेबर है, लेबर ही महंगा चल रहा है यहां, हम तो यूट्यूब पे गलत आ गए, हम तो लेबर ही बन जाते हैं, डिपेंडर वाले लेबर बन जाते हैं। 4,000 रुपए मिला भाई एक बंदे ने, तो अनुकरण करता 6,000 रुपए मिलते महीने काम करता। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, अगर इस हिसाब से चार गाड़ी आगे दिन की डिफेंडर, चार गाड़ी अगर ऐसे टेप ही लगवाने आ गई, चार हजार रुपए की मतलब सॉरी चार अगर डिफेंडर आ गई तो इस हिसाब से सीधा 16,000 रुपए एक लेबर के। अभी तो बंद कर, एक चीज सुना हुआ तो भाई, मतलब है ना सबसे बढ़िया गाड़ी है ना, मतलब मैं सोच रहा था, मैं कल थार में गया, थार में ना ऐसे ही तो तीन चीज वो जो लगाया वो फ्री में लगा दिया, ये सारी चीज सोची मैंने, कहा चल कितने की यार मैक्सिमम कितना खर्चा आ जाएगा, 5-10-15,000 रुपए का भाई। जब इन्हें बताया ना अभी, मतलब मैं चाह के भी ना अभी आगे स्टेप लेने की सोचूं ना एक पल का, तो 10 कदम पीछे जाऊंगा मैं, रहन दे यार, आगे खर्चा हुआ था, पहले तो तेल में पैसे फूको हैं, मेरे ख्याल से ट्रिप पे तेरी हमारी ट्रिप पे सबसे ज्यादा तेल, सबसे ज्यादा इसकी गाड़ी में तेल पिया, ठीक है, और मजे ले रहा, कह रहा अभी अभी खुश होकर बता रहा हूँ, ले 10,000 किलोमीटर चल ली। अभी जो इसने मेरे तो बात बताई ना इसके ब्लॉग में देखियो भाई, पर ये बात तो भाई अगर सर्विस के पैसे और ये चीज की जो बता दिए ना, मैं सोचू मैं कह रहा इतने में तो मैं आधी गाड़ी नहीं करवा दूंगा भाई, इतने में जितने ने पैसे बताए ना, एक चीज बोलूंगा कि सेल्स से पहले मुझे कुछ और प्राइस बताया था, आज मैंने पूछा प्राइस फर्क है वो नई गाड़ी नई चीज लेने जावे ना, तो यूं कहा सर इससे बढ़िया चीज नहीं है, ले वो एक बार, उसके बाद लेने के बाद तो अब पता चल गया ना, अब तुमने ले लिया तो अब पहली चीज तो जावेगी ना, अब तुम इसमें यो भी लगवाओ, एक नंबर चीज है यो ना बताई होगी ना कि इतने के बाद इतने मतलब ये सर्विस इतने के बाद होती है, और ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ ना बताया, चीज़ और भी बताऊंगा ना, वो बता ना सकता भाई, मजाक से मेरे कसम से मैं ही सोच गया, मैंने कहा सुन ये बंद करियो, चलो मैं रखता हूँ, मैं ना गणी मेरे दिमाग घूम गया ये चीज सोच के यार। सो भाई अज्जू के यहाँ से निकल लिया और मैं फिलहाल जा रहा हूँ एक बार घर, पहले सोचा था हमने कि भाई यहीं से ही हम सीधा ब्लूटो का जाएंगे, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, लेकिन भाई घर से मम्मी का कॉल आ गया और मम्मी बोल रही है कि भाई तेरा ये पुत्र मान नहीं रहा, मतलब ब्रूनो मान नहीं रहा। मैं बता दूँ आज के हो क्या रहा है भाई, वो जो साल में दो बार आता है ना कुत्तों का टाइम वो टाइम चल रहा है, परेशान हो क्या आप? अरे रुक जाना यार, पहले थोड़ी सी तो रुक जा, मेरा हाथ मोड़ दिया तेरे चली तेरी ये जो ये औलाद है, ये तो परेशान ना कर रही होगी भाई, जो जी तो ऐसा कर रहा है कि इन दोनों को घर से बाहर निकाल दूं। मम्मी क्या बात कर रहे हो यार, देखो गाइस समझाओ यार, मम्मी को बोलो यार, वो देख ना वो तो पागल है, वो पागल क्यों है? अच्छा वो पागल ना, यो पागल है, बाथरूम में बंद करा है, ठंड लग गई थी एकदम से, मैंने कहा तो कपड़े पहन ले, क्या हो रहा भाई तेरे? ये देखो 9:30 बज रहे हैं, मैं घर पे आया था और आ रहा मम्मी भी, ये खराब हो रहा है भाई, 9:30 बज रहे हैं, मैं आया था घर पे अभी, आया था मतलब आधे पौने घंटे पहले ही, और सारे पहुंच चुके हैं, ब्लूटूथ का फोन आया है मेरा, भाई आ जा, मैं अच्छा और जाना तेरे को बाहर बेटा, जा होया होया, तो ये सब आ चुके हैं ब्लूटूथ का, मैंने कहा चलो आ जाता हूँ थोड़ी देर में, एक कॉफ़ी मारते हैं और फिर उसके बाद निकल लेते हैं, मैं सोचा मैंने कहा घर पे बैठूँगा, आइए आपका ए ए वीडियो बना रहा है, अबे साले लड़ाई करेगा, ओए ओए तेरी बहन, अबे कंटेंट के पीछे का लड़ाई करेगा, अरे अरे मेरे
मेरे क्यों मार रहे हो भाई? भाई विक्रम भाई ने इन्हें पछड़ा दी भैया खुले में भाई यार ये तो अश्लील अश्लील काम पे उतर आया भाई ये तो अश्लील अश्लील काम पे उतर आया भाई भाई किसका वेट कर रहे हैं विकास भाई कहाँ है भाई वो मिला नहीं क्या बम्पर यहाँ से बम्पर ओ सही तो लग रहा है यार ये लाइट में अच्छी नहीं लग रही बस मेरे को वैसे तो अच्छी लग रही है वैसे तो अच्छा लग रहा है कुछ ये भी जला दो करो बस करो बस करो भाई इसके बारे में कोई टॉपिक नहीं तो भाई वैसे बता रहे भाई लुक में वैसे तो अच्छा लग रहा है बट ठीक यार बट थार में ये चीज बढ़िया ना जितनी मर्चा उतनी लाइट लगवा लो अब बताना भाई कैसा लग रहा है 21,000 रुपए तो बहुत ज्यादा कैसा लग रहा है चमक वाला लगवा दे एक मिनट आप बताना कैसा लग रहा है लग अच्छा रहा लेकिन 21,000 रुपए महंगी नहीं है भाई मैंने ना इसको स्पेशली यही चीज बोली मैंने कहा बहुत सही लग रहा है पर भाई 21,000 रुपए वर्थ नहीं लग रहे 21,000 रुपए बहुत ज्यादा यार 21,000 रुपए बहुत ज्यादा ये वो बोल रहे हैं जो 21,000 रुपए पता लगता कहाँ गए भाई दिल गार्डन होगा भाई सही बताओ ना मजाक सेट के थार जब चला लेता हूँ ना बहुत दिन उसके बाद जब मैं स्विफ्ट चलाता हूँ ना भाई स्विफ्ट का मजा अलग ही है भाई मजाक सेट के जब मैं ये चलाता हूँ ना मजा आता है इसे चलाने में और मेरा मतलब मन करता है ये चलाने के बाद कि भाई यही चलाऊं सही है पर थार का मजा अलग है भाई यहाँ से निकल चुके अब घर जाता हूँ और कुछ खाता हूँ भूख लग रही है मेरे को प्लीज सजेस्ट करना इस वीडियो में जो मतलब भाई ने अपना ये आगे का चेंज करवाया वैसे मेरे को तो ये मतलब नॉट उतना अप टू मार्क लगा जो मतलब मैंने अपनी गाड़ी की पूरी बना रखा ना आगे से फील बना रखी है बाकी फिर भी सजेस्ट करना देखते हैं नीचे कमेंट आएंगे तो फिर देखते हैं चेंज कराएंगे अरे विकास भाई से एक बात करनी है मैं पूछता हूँ जिंदगी में लड़ाई के अलावा कुछ आवे तने हैं बुड्ढी कहीं की कह रही बुड्ढी ना हो ये देखिए सफेद बाल देखो भाई आके दो मिनट की शांति ना लिए मैंने कहा भाई मम्मी घर पे अकेली आ जाता हूँ घर पे आते ही कर दूध ले आया अब मैं फोन पे बात करता आ रहा हूँ 15-20 मिनट से एक से मेरी तबीयत खराब है ज्यादा अच्छा फिर तबीयत खराब है तो फिर बोलो बोल ना बोला नहीं जा रहा ना मेरे से हंसा गुटखा खा रखा है कहाँ तक बोलेगी थू पहले गुटके मत ऐसा 11 बजे घर तुम ये देखो मम्मी के लिए हम क्या ले रहे हैं गोलगप्पे जो कि मम्मी खा नहीं पाएगी फिर मैं खा लूंगा चिढ़ा के थोड़ा सा हैं गोलगप्पे आटे वाले कितने आएंगे पाँच आएंगे ना अब मम्मी देखेंगी ये देखो कैसी हो रखी है मम्मी खाएंगी गोलगप्पे मतलब खाते देखेंगी मम्मी गोलगप्पे चिढ़ाने में मजा आएगा आज मम्मी तो गुटखा खा रही है देखो मम्मी गुटखा देखो कितना मोटा हो रखा मम्मी सुबह से लेके शाम तक भाई अच्छा नहीं है ये बिल्कुल नहीं है अच्छा भाई गाइस आप सब एक बार बोलो कि मम्मी को अच्छा नहीं है गुटखा बच्चों को पता है कि आंटी गुटखा नहीं खाती है अच्छा क्या खाते फिर ये को ये क्या लगा रखा है ये मेरा स्वेलिंग आ रही है दर्द हो रहा है स्वेलिंग आ रही है दर्द हो रहा है ये देखो फोन यार तुम क्यों मतलब मुझे परेशान कर रहे हो भाई यहाँ यूँ हो रखा है थोड़ा सा मेहमानी से यार डालो इसे एक बार इतनी इतनी वो है ये लाने याद रहे अभी भी दूध गाड़ी में भूल गई मम्मी का ना अगर मैं चाहूँ तो डेली थंबनेल में हाथ जोड़ते हुए डेली थंबनेल में हाथ जोड़ते हुए लगा दूं कि आज मम्मी इस चीज से परेशान होगी आज मम्मी इस चीज से परेशान होगी मस्त ताजा खबर मैंने कंप्लीट किया भाई मस्त मजा आ गया भाई देख के और मतलब एक नंबर मजा आ गया प्लीज गाइज इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ आई होप गाइज अब सबको ब्लॉग अच्छा लगा फॉर व्हाट्स डू लाइक डू कमेंट डू शेयर नहीं हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना टिल देन
खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मेरे व्लॉग और मेरी वीडियोस देखते रहो। डू वॉच ताज़ा खबर।